रेहान, ये तुम एनएक्सी में क्यों आ गई हो? मैं यहां ज्यादा बेहतर महसूस करती हूं। मेरी जान, कोई बात हुई है क्या? यूं अचानक क्यों जाना चाह रही हो? क्योंकि नहीं रह सकूंगी इस घर में। अच्छा बैठो, चलो शाबाश। मेरा यहां पर रहना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा, और मामू जान यहां की हूं भी तो नहीं मैं। यहां की हर चीज अजनबी महसूस होती है मुझे। अगर यहां रही तो डर है कि कहीं आप मायूस ना हो जाए मुझसे। सच कहूं तो मुझे अपना घर याद आ रहा है। मुझे ना रोके यही अच्छा होगा। मुझे जाने दीजिए प्लीज। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत हैंडसम लग रहे हो आमिर। हमेशा की तरह है ना? हाँ आमिर। खुश आमदीद आंटी। जबरे मेरी जान, चलाओ बैठते हैं। ओह टेबल तो शानदार सजी हुई है जावेदा साहिबा। अब क्या करें, इतने मौजूद मेहमानों के आगे ये टेबल कुछ अहमियत नहीं रखता। सब बहुत अच्छा लग रहा है। सोना डार्लिंग, कैसी हो तुम? काफी टाइम बाद देखा है तुम्हें। हमेशा की तरह ये लड़की सारा दिन लैपटॉप और मोबाइल यूज करती है। रियल लाइफ में तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं मेरा, तो मैं मजबूरन साइबर वर्ल्ड में ही रहने लगी हूँ। कुछ एपेटाइजर्स लेना पसंद करेंगे जब तक हिकमत हमें ज्वाइन नहीं करते? नहीं थैंक यू, उनको पहले आ जाने दें। बिल्कुल रहने दें अभी। वैसे आजकल और क्या मसरूफियात हैं आपकी? जानता हूँ यहाँ आने का फैसला मुश्किल था तुम्हारे लिए, मगर ऐसे यूं फौरन वापस जाने का क्या मतलब? क्योंकि मैं समझ गई हूं कि फैसला गलत था, तो जा रही हूं। तुम्हें जबरदस्ती यहां लाया, मगर रोक नहीं सकता, मैं जानता हूं। तुम्हें बहू बनाने का ख्वाब मेरी जिंदगी में पूरा ना हुआ तो कभी ना होगा। दुख है कि मैं अपनी आपा की अमानत को अपने घर सुख न दे सका। यह गम तो सहना पड़ेगा मुझे।